आज के इस वीडियो में हमने डिविडेंड से जुड़ी हुई खबर लगाई है। यहाँ पे कंपनी 75 रुपीज़ पर इक्विटी सेल का डिविडेंड अपने शेयर धारकों को देने जा रही है, जिसके लिए कंपनी की हम कुछ जानकारी है, जिसके लिए हम एनजीस्पार के एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे वॉचलिस्ट पर सिंपली क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उस कंपनी का नाम आ जाता है जिसके लिए हमने यहाँ डिविडेंड्स की वॉचलिस्ट बना के रखी है। यहाँ पे कंपनी का नाम है नेस्ले इंडिया। यह कंपनी अपने शेयर धारकों को 75 रुपीज़ पर इक्विटी सेल का डिविडेंड प्रोवाइड करने जा रही है। इस समय स्टॉक का जो प्राइस है 18,680 रुपीज़ पर यह स्टॉक ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इस कंपनी में डिविडेंड लेने के लिए हमें स्टॉक जो है ये 20 अप्रैल से पहले पहले बाय करके रखना होगा। इसके लिए रिकॉर्डेड 21 अप्रैल की तय की गई है। इस कंपनी के हम फंडामेंटल की जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टॉक के ऊपर क्लिक करते हैं, स्टॉक डिटेल पे आते हैं और फंडामेंटल के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैपिटल काफ़ी बड़ा है। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है जो 1,80,113 करोड़ का मार्केट कैपिटल रखती है। एक साल में इसने 5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। सेक्टर में 9% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। मार्केट में 9% से ज़्यादा का रिटर्न कंपनी देते हुए आई है। फंडामेंटल रेशियो पे हम एक नज़र डालते हैं तो यहाँ पे पीई रेशियो 74.92 का बना हुआ है। प्राइस टू बुक वैल्यू 73.10 की है। डिविडेंड यील्ड जो है 1.13% का रखता है। ROCE 211.81% की है। ROE 97.58% की बनी हुई है। हम यहाँ पे सेल होल्डिंग पैटर्न पे एक नज़र डालते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर ने यहाँ पे अपने होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं किया है, लेकिन FIIs ने 0.07% से होल्डिंग को बढ़ाया हुआ है। म्यूचुअल फंड ने 0.38% से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और इंश्योरेंस कंपनी ने 0.19% से होल्डिंग को अपना कम किया है। अदर DIIs ने 0.01% से होल्डिंग को घटाया है। नॉन इंस्टीट्यूशन ने 0.026% से अपने होल्डिंग को घटाया है। इस कंपनी में डिविडेंड लेने के लिए आपको नीचे बाय बटन देखने को मिलती है। यहाँ पे हम जैसे प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ऑर्डर विंडो आ जाती है। यहाँ पे हम जितने भी शेयर में हम डिविडेंड लेना चाहते हैं उस शेयर को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर हम यहाँ पे एक कम शेयर में डिविडेंड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक मेंशन करेंगे। यहाँ पे जो अमाउंट लगेगा 18,680 रुपीज़ लगेगा। लेकिन अगर हम एंजल वन की जो शानदार फैसिलिटीज़ है एंजल स्पार्क जो हमें इस शेयर में 5x का मार्जिन प्रोवाइड करता है तो हम यहाँ पे टिक करते हैं तो जो स्टॉक हम 18,000 पे लेने वाले थे वो हमें सिर्फ मिल जाता है 3,736 में मिल जाता है। दोस्तों, अगर हमारा टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है तभी हम मार्जिन फैसिलिटी का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम अपने ही कैपिटल पे इस स्टॉक को बाय करना चाहेंगे। आपको नीचे बाय बटन देखने को मिलती है। यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक करना होता है, कन्फर्म बाय करना होता है। यह ऑर्डर जैसे कन्फर्म होता है तो स्टॉक हमें 21 अप्रैल तक के हमारे पोर्टफोलियो में रखना होगा, तभी हमें इस कंपनी में 75 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। नमस्कार।